Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabgram. Daily vocabulary word is paradox. It was a request by Thomas Taba, and Thomas, here's your lesson. Paradox means contradictory to common sense. देखिए, अगर किसी सिचुएशन में या किसी स्टेटमेंट में दो ऐसी बातें हो जो एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक कर रही हो या वो कॉमन सेंस के साथ कॉन्ट्राडिक कर रही हो, तो आप ऐसी स्टेटमेंट को या ऐसी सिचुएशन को पैराडॉक्स कहेंगे। देखिए, इसको एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ। जैसे कि ये कहा जाता है ना कि मोस्ट फेमस पीपल आर ऑफन लोनर्स, कि जो ज्यादातर जो मशहूर लोग होते हैं वो अपनी पर्सनल लाइफ में लोनर्स होते हैं, वो तनहा लोग होते हैं। देखिए, तो ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं स्टेटमेंट के अंदर जो एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। कि देखिए, एक तरफ तो आप बहुत फेमस हैं, दुनिया आपको, हजारों लोग, लाखों लोग आपको जानते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आप अपनी जान निछावर करते हैं। जो फेमस लोग होते हैं, जो सेलिब्रिटीज होते हैं, ठीक है, उनके जो फैंस होते हैं वो एक किस्म के डाई हार्ड फैंस होते हैं, वो उनसे उनपे अपनी जान निछावर कर रहे होते हैं, उनपे मर रहे होते, इतना प्यार कर रहे होते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड, वो अपनी जाती जिंदगी में तनहा होते हैं, लोनर्स होते हैं, ठीक है। तो आप फेमस भी हैं और आप लोनर भी हैं, आपके इर्द गिर्द दुनिया की भीड़ भी है और आप एक किस्म के तनहा भी हैं। तो ये दो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं चीजें इस स्टेटमेंट के अंदर, या अगर कोई इंसान ही जिंदगी जी रहा है इस तरह की, तो उसकी सिचुएशन जो है उसमें ये दो बातें ऐसी हैं जो एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, तो उसकी ये सिचुएशन भी पैराडॉक्स हो सकती है और उस ये जो स्टेटमेंट है ये भी पैराडॉक्स हो सकती है, ठीक है। इसको एक और एग्जांपल से इस तरह से समझें कि ये एक स्टेटमेंट बोली जाती है कि डेथ इट्सेल्फ इज अ पैराडॉक्स बिकॉज इट्स द एंड एंड द बिगनिंग। देखें, जो डेथ है, जो मौत है, कहते हैं कि वो भी एक पैराडॉक्स ही है, अपने आप में वो एक पैराडॉक्स है। वो इस तरह से पैराडॉक्स है कि डेथ एक तरफ तो एंड है और दूसरी तरफ ये एक बिगनिंग है। देखें कि जब ये जो हमारी जिंदगी है, जब मौत आती है, तो ये हमारी जिंदगी का, मौत जो है, डेथ जो है, वो इसका एंड है, ठीक है, इस जिंदगी का। लेकिन इस जिंदगी के बाद जो अगली जिंदगी है उसकी बिगनिंग है। तो एंड और बिगनिंग दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, लेकिन वो एक ही सिचुएशन में एक साथ है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो डेथ है, इसलिए लोग कहते हैं कि डेथ इटसेल्फ इज अ पैराडॉक्स, कि डेथ जो है वो एक पैराडॉक्स है, कि इसके साथ दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें जो है वो अटैच्ड है, ठीक है। तो ऐसी कोई स्टेटमेंट जिसमें दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हों जो एक दूसरे के साथ मेल ना खाती हो, तो उसके लिए, उसकी वजह से भी आप उस स्टेटमेंट को पैराडॉक्स कहेंगे, या वो कॉमन सेंस के साथ मेल ना खाती हो, मतलब उसमें कोई ऐसी वियर्ड सी बात कही गई है कि जो आपको लगे कि ये बात समझ में नहीं आती है, ये बात कॉमन सेंस के अगेंस्ट है, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट भी पैराडॉक्स हो जाएगी। या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक दूसरे के साथ जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, वो एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाते हैं, वो एक दूसरे का मुताबिकत नहीं रखते हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है, तो वो जो सिचुएशन है वो भी एक पैराडॉक्स कहलाएगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको पैराडॉक्स का मतलब समझ में आ गया होगा। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। Our first example is, it's a paradox that the world's richest country has homeless people. कि ये एक पैराडॉक्स है कि दुनिया की जो अमीर तरीन कंट्री है उसके अंदर होमलेस लोग हैं, ठीक है। एक तरफ तो मुल्क जो है वो दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है, उसके पास इतना पैसा है, बट स्टिल उस मुल्क में रहने वाले जो कुछ शहरी हैं वो इतने गरीब हैं कि उनके सर पे रहने के लिए कुछ छत भी नहीं है, वो होमलेस है, ठीक है। तो ये दो ऐसी बातें हैं इस सिचुएशन के अंदर कि जो एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाती है, कॉन्ट्राडिक्ट करती है, तो इसलिए ये एक पैराडॉक्स है, ठीक है। Our second example is, it's a paradox that most famous comedians had an unhappy personal life. कि ये एक paradox है कि mostly जो दुनिया के जो बड़े famous किस्म के comedians हैं, जो दुनिया पूरी को हंसाते हैं, जो हर वक्त इतना jokes करते हैं, वो पूरी लोग दुनिया को हंसाते हैं, पर वो अपनी personal life में अनहैप्पी होते हैं, मतलब वो सैड होते हैं, वो खुश नहीं होते। जो दुनिया में खुशियां बांट रहे होते हैं, अक्सर वो अपनी जाती जिंदगी में वो अनहैप्पी होते हैं, वो ना खुश होते हैं। तो ये एक किस्म का एक पैराडॉक्स है। ओके फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे लेसन खत्म होता है। आई होप कि आपने इस लेसन में कुछ ना कुछ नया सीखा है। इफ यू लाइक दिस लेसन, काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।